दाल इडली रवा का पेस्ट, इससे हमने सुबह इडली बनाया था, ज़रा बच गया तो अभी मैं इसे एक डोसा बना दूंगी। तो इसमें मैंने करी लीव्स और चिली चिली ऐड कर लिया है, और ये भी हरी धनिया भी मैंने, धनिया लीव्स भी मैंने, कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर लिया, और इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। देखो नमक अब हम मिला रहे हैं, नमक लीजिए, मम्मी अब मिलाएगी नमक, मत दे से। जला के तेल रखते, तो गैस मैंने ऑन कर लिया है, और अब मैं, मम्मी बैठी है यहाँ, देख लीजिए आज मम्मी कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है जी। ठीक है, तो ये है, मिला लिया है मैंने, और आज मैं बनाऊंगी इसे। ज़रा तेल डालूंगी, देखिए अब मैंने तेल डाल दिया इस पर, तेल गर्म हो रहा है, अब मैं इस पर अपना बैटर डालूंगी। तो देखिए मैंने डाल दिया इसे तेल पे, तो ये रवा और उड़द दाल का पेस्ट है, तो इसे ज़्यादा बड़ा या पतला नहीं कर सकते, ज़रा मोटा ही रहना पड़ता है। अब ये कुक हो रहा है, एक साइड हो तो मैं इसे पलट दूँगी और आपको दिखाऊँगी, इसे ज़रा कुक होने तक इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे अभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से चेक करके आपको पता चल जाएगा कि पलटना है नहीं है, साइड साइड से जो जलता है ऐसे, इससे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ, ठीक है, इस तरह से आपको चेक करके, देखिए मैंने कैसे उसको हटाया, ऐसे, क्योंकि एक ही तरफ हुआ है इसलिए मैंने एक में ज़रा तेल डाल दूँगी इसमें। ठीक है, हो जाए, पलट के दिखाती हूँ कैसे हो। तो देखिए कैसा रहा मेरा एक्सपेरिमेंट, अच्छा है, एक तरफ पूरा पक गया तो मैंने इसे पलट दिया, अब दूसरे तरफ भी पक गया तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हो। तो देखिए तैयार हो गया है मेरा, ऐसा बना है, तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है ना।